हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून, फुल मून है तो एनर्जी में शिफ्ट आया, एनर्जी में क्या शिफ्ट आया अगर आपको ये देखना है तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11:11, जिसपे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली है। 2 बजे डालनी थी लेकिन 2 बजे लेट हो गया, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपको उस चैनल का इसी वीडियो के होम पे मिल जाएगा, मतलब इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा माइंड में लेकर आइए, उनके उनके ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरी सारी रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है ये रीडिंग, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ठीक इस वक्त प्लीज डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करिए, डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। दो आ रहे थे तो मैंने दो ले लिए। ठीक है, किसी के लिए कोई लीगल मैटर आप लोगों के बीच में हो सकता है, उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कहीं से किसी तरीके की कोई पैतृक संपत्ति मिली हो, किसी तरीके का लीगल मैटर हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है वो चीज़ हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि डिवोर्स से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आपको देनी है, या कहीं से भी कुछ भी मतलब हो सकता है, कोई भी लीगल कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है तो वैसा कुछ है वो भी माइंड में चल रहा है, या कोई नोटिस वगैरह है वो भी। यहाँ पे मैरिज करने को लेकर के है इनकी एनर्जी, की मैरिज करना चाहते हैं, वन सेकेंड, मैरिज के रिगार्डिंग है। और आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जहाँ पे आपको उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अबंडेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ना आपको पैतृक रूप से सारी संपत्ति मिली हुई है, बहुत वेल टू डू हो आप, ऐसा वो देखते हैं आपको लेकर के। वो आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील कर रहे हैं, उनकी तरफ से प्यार है, वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उनको उतना ही प्यार दो। सोलमेट की एनर्जी वाइब्स उनको आती हैं आपके साथ जब भी होते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, या अगर ये किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो ये ट्रांसफर लेकर के आपके यहाँ आना चाहते हैं। अगर आप लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, अलग अलग ऑफिस में हैं, अलग अलग शहरों में है, तो ये ट्रांसफर लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या अलग रहते हैं तो आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करके एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपको ये वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। ठीक है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक चेंज इनके अंदर ज़रूर आया है आपके आपको लेकर के रिश्ते में, इन्हें एक प्यार भरा कप ये आपके साथ ऑफर करना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता खत्म हो गया था, ये किसी तरीके के मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि कहीं कोई प्रॉपर्टी किसी तरीके की हो सकता है, उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान रहा हो, प्रीवलेज लेडी की एनर्जी है, जिसने प्रॉपर्टी छोड़ी हो, कोई दादी नानी हो सकती है या कोई भी हो सकता है, जहाँ से उनको पैतृक प्रॉपर्टी मिल गई है, तो वो इस तरीके की भी एनर्जी इनकी हो सकती है कि हमें मिल गई है कुछ लोगों के लिए, और आपके पर्सन अब आपको तेजी से आपको ऑफर कर सकते हैं कि अब पैसा शॉर्ट आउट हो गया, या कहीं से किसी जॉब को लेकर के, या किसी भी केस पे कहीं चल रहा था वहाँ से उनको मतलब कोर्ट के थ्रू मुझे पता नहीं क्यों प्रॉपर्टी आती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अगर कोई मैरिज में थे और मैरिज से निकलना चाहते थे उस टॉक्सिक मैरिज से, तो हो सकता है वहाँ पे डिवोर्स वगैरह मिल गया हो किसी भी तरीके, तो कोई न्यूज़ है जो ये आपको देना चाहते हैं और अब तेजी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है।
आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, आपको एक ऐसे कंडीशन में देखते हैं जहाँ आप एक बहुत वेल टू डू कंडीशन में हो। आपको ये बेसिकली इनकी एनर्जी यही है कि ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जहाँ आप बहुत संपन्न हो, आपके पास सब कुछ है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, संतुष्ट हो, और ये आपको इसीलिए ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जब ये फाइनेंसेस आ जाए फिर ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करें, फिर आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। अदरवाइज जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे सभी साइन है, चारों एलिमेंट है, सभी 12 राशि हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं बट स्टेबल होने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये आपको चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से रखें, तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लिए बट प्यार को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें आपसे हो सकता है पर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार की अपनी लेना चाहते हैं, बट जब रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तभी आपके तरफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्हें कि वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, इनका फाइनेंसिस का इशू खत्म हो गया है, तो उस कंडीशन में ये आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ये भी कह सकते हैं कि हम चलो लीगल मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट में जाकर के मैरिज कर लेते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी किसी के लिए हो सकती है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। प्यार की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये लेना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। कोई छोटू मोटू सा गिफ्ट आपको दे सकते हैं, हो सकता है रिंग ऑफर कर दें या ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि चीज़ें सब आप लोगों के बीच में जल्दी से ठीक हो जाएं। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का ही। कुछ लोगों के लिए वही चीज़ है कि ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए हो सकता है कोई टॉक्सिक मैरिज, कहीं डिवोर्स वगैरह का केस भी हो सकता है। अब ये आपके साथ है, किसी और के साथ है, किसी और के साथ मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, बट यहाँ पे भी ऑब्स्टिकल यहाँ पे यही है, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है। या तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मैरिज में फंसे हुए हैं तो अभी कोई छोटा मोटा सा ऑफर आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि ये इश्यूज़ क्लियर हो गए, कुछ लोगों के लिए ये वेट कर रहे हैं कि इश्यूज़ क्लियर हो जाए, इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ जाए, फिर ये आपके साथ बढ़े, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आप किस तरीके से होगा आप खुद अपने हिसाब से देख लेना, मतलब कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस का इशू जो था या जो भी इशूज़ आप लोगों के बीच में थे क्लियर हो गए हैं तो उनके पर्सन बहुत जल्दी से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के केस में अभी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हुई है तो वहाँ पे आपके पर्सन आपसे एक दोस्ती रखना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई गेस्चर दे सकते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं कि हम मिल लेते हैं, क्योंकि उनको अट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा आपसे, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी ये है कि ये आपसे टच में रहना चाहते हैं बट थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत शो नहीं करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये ऑलरेडी सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, इनको ज़्यादातर पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वहां पे इनकी एनर्जी है कि थोड़ा सा आपके लिए वेट करेंगे कि जैसे ही वो इश्यूज क्लियर हो जाते हैं, इनकी जिंदगी में फाइनेंसेस आ जाता है, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की गाइडेंस मिली तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।